अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुनिया की तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों और तकलीफ़ों से महफूज फरमाए, आमीन जी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में दो लफ्ज़ से नूरानी परी की हाज़िरी का बिल्कुल आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, जो कि बिल्कुल आसान और 100% मुजरब अमल है। अमल के तरीक़ेकार की जानिब जाने से पहले आप सब दोस्तों से मोहब्बत भरी इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो जल्द अज जल्द और बआसानी मिलती रहे। शुक्रिया दोस्तों, चलते हैं अमल के तरीक़ाकार की जानिब। जी तो दोस्तों, ये अमल नौचंद जो मेरा हाथ से शुरू किया जाएगा, इस अमल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक खाली कमरा, इसके बाद कोयले, अंगीठी, बखूर के लिए खशखाश, हींग और लोबान चाहिए होगा। अमल आप नौचंद जुमेरात से, जो कि नया चाँद निकलने के 3 दिन बाद जो बुध का दिन आएगा, वो दिन गुजार के इस रात को 11 बजे के बाद ही अमल किया जाएगा। अमल के लिए रिजालुल गैब की सिमत का ख्याल रखना लाजम है। ये अमल सिर्फ 7 दिन का है और सातों दिन रिजालुल गैब को सलाम करके उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाएं। इस अमल में हिसार की ज़रूरत नहीं, जैसा कि जब आप बैठ जाएं तो सबसे पहले बखूर जलाएं, जो वीडियो के शुरू में बता दिया गया है। इसके बाद अल्लाहु समद 231 बार पढ़ना है और इसके बाद 11 बार अक्समतु अलैकुम या बानो परी उफ़ज़िरु 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 बिहक़्क़ि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, ये अमल मुकम्मल करके उठ जाएं और बिना किसी से बात किए सो जाएं। अमल का रोज़ाना का वक्त और जगह वही रहेगी और सिर्फ रिजालुल गैब के हिसाब से सिमत चेंज होगी। ये अमल मुकम्मल राजदारी के साथ करना है, बावजू हालत में, और नमाज़ 5 वक्त अदा करने का पाबंद होना चाहिए। अगर पढ़ाई करने के बाद जब तक नींद ना आए दुरूद पाक पढ़ते रहें, इंशाल्लाह 7वीं रात बानो परी हाजिर हो जाएगी और आपको निशानी के तौर पर एक छल्ला या अंगूठी देगी। इसकी हिफाजत आपने खुद करनी है और उसे कौलो करार वादा करके दोबारा बुलाने का तरीका भी पूछ लें और इसको इजाज़त इस तरीके से दें कि फ़िलहाल आप चली जाएं और मेरे दोबारा बुलाने तक इंतज़ार करें। ये था दोस्तों हमारा आज का बिल्कुल आसान सा अमल। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करना बेहद ज़रूरी है। और एक बात, इस अमल के लिए रूहानी कुव्वत या बातनी निगाह का होना लाजिम है। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द एक नई वीडियो, नए अमल और नए वजीफा के साथ। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह नेगबान। अल्लाह।